हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पक्का इलाज यूट्यूब चैनल। बीमारियों के घरेलू उपचार और देसी नुस्खे जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम प्रेग्नेंट लेडीजों के बारे में। अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो उसको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान किस किस तरीके की सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि उसके पेट में पल रहा शिशु और खुद माँ दोनों स्वस्थ रह सकें और इसके साथ साथ जो माँ है वो इस दुनिया में एक स्वस्थ और सुंदर शिशु को ला सके। आपको पता होगा कि जब कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स जो है चेंज होते हैं। ऐसे में आपने अक्सर डॉक्टरों से भी सुना होगा कि कोई लेडीज जब प्रेग्नेंट है तो डॉक्टर भी इस चीज़ को कहते हैं कि अब आपकी जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ गई हैं, आपको माँ और शिशु दोनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की आवश्यकता है। जब आप माँ का ख्याल रखेंगे तो शिशु की केयर अपने आप ही हो जाएगी। जो महिला है उसकी बॉडी में जो चेंजेज होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए महिला को हीमोग्लोबिन और कैल्शियम की टैबलेटें टाइम टू टाइम दी जाती हैं। आज के समय में ये बिल्कुल निःशुल्क है, हॉस्पिटल से बिल्कुल फ्री ये जो टैबलेटें हैं मिलती हैं। अब आपको पता होगा कि जब कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो जो प्रेग्नेंट लेडीज है उसकी केयर करने के साथ साथ बच्चे की केयर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब हम माँ की केयर करेंगे तभी हम इस दुनिया में एक स्वस्थ और सुंदर शिशु को ला सकेंगे। तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी भी माँ के प्रति है, खुद माँ की जिम्मेदारी भी अपने प्रति बढ़ जाती है। जो टैबलेटें आप लोगों को हॉस्पिटल से दी जाती हैं कैल्शियम की और आयरन की, तो जो कैल्शियम की टैबलेट होती है आप लोगों को इसलिए दी जाती है कि जो आपकी गर्भ में जो शिशु है उस शिशु की हड्डियां कमजोर ना हो, उनकी पूर्ति के लिए आप लोगों को कैल्शियम की टैबलेट हॉस्पिटल से दी जाती है। इसके साथ साथ जो आयरन की टैबलेट हैं, कई बार देखने में आता है कि जो माँ होती है प्रेग्नेंट जो लेडीज होती है उसकी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो उस हीमोग्लोबिन की पूर्ति के लिए, उस हीमोग्लोबिन को पूरा करने के लिए आप लोगों को आयरन की टैबलेट दी जाती है जिससे कि जो प्रेग्नेंट लेडीज है उसकी बॉडी में खून बना रहे और हीमोग्लोबिन की जो क्वांटिटी है वो घट गई है वो वापस से पूरी रिकवर हो जाए। क्योंकि एक स्वस्थ शिशु को इस दुनिया में लाने के लिए बहुत सारी स्टेजों से एक माँ को गुजरना पड़ता है। तो ऐसे में आप लोगों के सामने चुनौती है कि जो भी टैबलेट आप लोगों को दी जा रही हैं आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टैबलेट किस समय लेनी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी समस्या हो सकती है, खासकर जो प्रेग्नेंट लेडीज है उसके साथ साथ जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसमें भी कोई विकार उत्पन्न हो सकता है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो टैबलेटें आपको दी गई हैं उनका सेवन आपको किस तरीके से करना है। अगर आप बात करें कैल्शियम की टैबलेट की या फिर आयरन की टैबलेट की, तो इनको आप लोगों को कभी भी भूखे पेट या खाली पेट आप लोगों को नहीं लेना है। निश्चित रूप से अगर आप प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही हैं तो आपको आयरन और कैल्शियम की टैबलेटों को खाना खाने के आधे घंटे बाद ही खाना है, आधा घंटे के बाद, क्योंकि जब आप खाना खाएंगे तो आपका खाना पच जाएगा, उसके आधे घंटे बाद आप टैबलेट को खा सकते हैं। कभी भी आप खाली पेट इन टैबलेटों को यूज ना करें। अगर आप खाली पेट इन टैबलेटों को यूज कर लेती हैं तो आपके सामने बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे उल्टियां आना, उल्टियों के साथ साथ मुंह का सूखना और इसके साथ साथ बार बार आप लोगों को टॉयलेट आना और कई बार कब्ज की समस्या भी हो सकती है। इन समस्याओं का असर निश्चित रूप से माँ पर तो पड़ेगा ही और इसके साथ साथ जो गर्भ में शिशु पल रहा है उस पर भी इन समस्याओं का प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है कि शिशु को कोई विकार उत्पन्न हो जाए। इस वजह से अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुनिया में, आपके परिवार में, आपके घर में एक स्वस्थ और सुंदर शिशु आए, तो निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी टैबलेट आयरन की हो या कैल्शियम की हो, जो भी टैबलेट आप लोगों को मिल रही है उसको कभी भी आप खाली पेट यूज मत करिए। अगर आप खाली पेट यूज करेंगे तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि माँ के साथ साथ ये शिशु के लिए भी हानिकारक हो सकती हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके साथ साथ आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, निश्चित रूप से आपकी क्वेरी का हम समाधान करेंगे। आप लोगों से फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए।